श्रीमती बंगा गीता विश्वनाथन। थैंक यू सो मच सर टू चेयरमैन सर। सर आई कन्वे माय थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ काकीनाडा पार्लियामेंट्री पीपल टू हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर सैंक्शन ऑफ 516F न्यू एन एच टू काकीनाडा सर। थैंक यू सो मच सर। एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द हॉनरेबल मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू answer thousands of cases are pending with in for regarding NH sir sir in my constituency Komaragiri village is there sir in Pitapuram constituency sir surrounding areas are getting farmers are getting 51 lakhs but this area is in only 27 lakhs in these days day by day land acquisition cost is rising sir land cost please do with humanitarian grounds according to your level and I would like to suggest one issue sir regarding arbitration the collector is saying with arbitration only 30% is there sir I know you already said in the answer sir collector is there any sir is there any team for raising the arbitration amount from 30% to 60% or 70%? Honorable member please thank you sir। सम्माननीय स्पीकर महोदय आपको भी शायद ये पता होगा आजकल लोग मेरे पास हमारी लैंड रोड में लो मत अलाइनमेंट बदलो इसके लिए कोई नहीं आता मैं हमारी लैंड लो और एमपी साहब आते इधर नहीं इधर से लाओ इधर से लेके जाओ इसका मतलब यह है कि बाजार भाव से भी अच्छी प्राइस मिल रही है चार गुना लोग खुश है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पर लैंड जो होती है ये इसका जो लैंड यूज होता है वो एग्रीकल्चर है कि अर्बन है तो इंडस्ट्री एखादी खड़ी होती है वो पावर मीटर लेता है वो बोलता है मेरी लैंड इंडस्ट्रियल है और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है ये एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का रेट अलग है इंडस्ट्री का अलग है अर्बन का अलग है फिर उसके डिस्प्यूट होते हैं ये इसी प्रकार के इशू है। तो मैं आपको एक ही बताऊँगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है रेट ज़्यादा है और मैडम आपको बताओ उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज़्यादा भाव दिए तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया आप चुप क्यों रहे तो अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है वो बोलते निर्णय कैसे करें तो सब बाजू से थोड़े बहुत समस्या है पर पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी भावनाओं को लेकर एक महीने के अंदर इसके ऊपर पूरा सोचकर सब स्टेक होल्डर से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। आंसर ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन आई हैव अ वेरी फ्यू यू सी इन 2013 एक्ट लैंड रिहैबिलिटेशन एंड कंपेंसेशन बेनिफिट एटसेट्रा एटसेट्रा दैट replacing the land acquisition act the act came into force then the act was amended when you have come into the power now there the compensation principles have been laid down that's the compensation benefit has been given in the land acquisition cases why you are not extending that benefits which have been given in the land acquisition land in 2013 act in the year in national highways act if that principles have been laid down then the problem will be resolved the regarding the determination of the compensation amount is concerned that's the point now the whether anybody is aggrieved or not that's a later part they will go on later on arbitration 220-30 leave aside all that things and sir I tell you one thing the most important questions in India is now in every compensation matter any benefit is given either state government or central government they are without giving this compensation benefit to the land losers okay they are more willing to go to the high court and supreme court reduce the litigations give the benefits to them sir that's my suggestion in although it's in the form of an questions I have raised it but this is a suggestion to you sir ye adhyaksh mahoday 2013 mein ye land acquisition bill ka maine hi pesh kiya tha parliament mein munde नहीं 2015 गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था बाद में टेम्प्ररी मैं उस खाते का डिपार्टमेंट का मंत्री था और ये बिल अरुण जेटली जी मैं उस समय हमने बैठकर तैयार किया था।
पर आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे वो भावना बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में यह मामला आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने अपील क्यों किया, तुम ज़्यादा पैसा क्यों दिया, इंटेंशन चैलेंज होता है। अब यह ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती, राज्य सरकार, हम केवल पैसे यहाँ से लेकर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कलेक्टर उनका, काला उनका, कमिश्नर उनका, वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है। मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफ़ी रिजनेबली बढ़ गए हैं, अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के MP यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूँ, अभी हम एक हाईवे बना रहे हैं केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है, 100 करोड़ रुपये पर किलोमीटर। केरल में, केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा, फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजिशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का GST उतना एग्जाम करो, और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीज़ पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपये कर मिल रहा आएगा तो कहाँ से बना पाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा, जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ, और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए, तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस, आई एम ओपन फॉर दैट, एंड आफ्टर दैट बाय टेकिंग सजेशन फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स वी विल फाइनलाइज द थिंग एंड वी विल कम टू द पार्लियामेंट एंड वी विल टेल यू।